नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्जायाणां नमो लोए सवसाहूणां एषो पंच नमोकारो सवपावापनाशनो मंगलानां च सविसिं परमं हवै मंगलं अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराध का पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मंगलं नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिने अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु सायोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् ओंकारबिन्दुसंयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मा वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारं इन्द्रदिनं नमाम्यहं नित्यानं नमाम्यहम्
निरंद्रे भवकानने परिगल पंचाश्रवाम्भोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्म भीष तीर्थेश ही प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरह पांतुवह रम्या गिरह पांतुवह। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, परमात्मा फरमाते हैं, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजो। एगो में सासो अप्पा, हमारी जो आत्मा है एगो यानी एक है, और हमारी आत्मा कैसी है, अकेली होती हुई भी कैसी है, नान दंसन संजुओ, नान और दंसन यानी ज्ञान और दर्शन से संयुक्त है। हमारी आत्मा का गुण ज्ञानमय है, दर्शनमय है। हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान का खजाना है, हमारी आत्मा में अनंत दर्शन अव्याबाध सुख का खजाना है, और ऐसी हमारी अनंत गुणों से भरी हुई आत्मा, लेकिन फिर भी हम दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं। इस जगत के मेले में, इस जगत के झमेले में, यहां की भीड़ में अनादि काल से हम खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, एक दूसरे के धक्के खा रहे हैं, कभी खड्डे में गिरते हैं, कभी सागर में गिरते हैं, कभी अतल गहराई में जाते हैं, और ये धक्के खाना, ये रखड़ पट्टी हमारी कब से है, अनादि काल से है। और यदि हमें अपनी आत्मा को इस चतुर्गति रूप संसार के धक्कों से, झमेलों से यदि हमें बचाना है, तो हमें अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को भीतर लगाना होगा, बाहर की भीड़ से उठा करके और भीतर की आत्मा के स्वरूप पर, आत्मा के गुणों पर, कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मेरी दशा क्या है, उसके ऊपर में जब तक केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक बाहर जगत के अंदर में हम धक्के पे धक्के खाते ही रहेंगे। मेरी आत्मा का स्वभाव क्या, ज्ञानमय और दर्शनमय, इस चीज को याद कर लेना। मेरी आत्मा का स्वभाव है ज्ञानमय दर्शनमय, जानना और देखना, यह मेरी आत्मा का स्वभाव है। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, जगत में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हम केवल उसको देखने वाले हैं, हम केवल उसको जानने वाले हैं। जानना और देखना ये मेरा स्वभाव है, लेकिन होने वाली किसी भी क्रिया में ना राग करना है ना द्वेष करना है, कोई भी क्रिया हो, लेकिन होता क्या है,
कि जगत की किसी भी क्रिया को देख करके हम उसे अच्छा कह देते हैं, उसे बुरा कह देते हैं, उसमें अच्छे बुरे का भाव कर लेते हैं, उसमें राग या द्वेष कर लेते हैं, और जैसे ही राग और द्वेष किया और हमारे कर्मों का बंधन हुआ। और यदि हमारी दृष्टि आत्मा पर रहेगी, मैं केवल जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी स्थिति आई है, वह केवल आकर के चली जाएगी, वह मेरे से पर है, मेरे से जुदा है, वो स्थिति मेरी नहीं है, मैं तो मेरे ज्ञान में, दर्शन में, स्वभाव में हूं, ये सारी स्थितियां बाहर की हैं। इस दृष्टि से हर क्रिया को देखना, अपने ध्यान को अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित करके और बाहर सारी स्थितियों के ऊपर में केवल दृष्टा भाव रखना, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान किसका करो? तो ध्यान किसका करना है? ध्यान आत्मा में अपने आप को स्थित करना, वही ध्यान। हमारा ये ध्यान चूक ना जाए, हमारी ये सावधानी चूक ना जाए, एक क्षण भर भी हमारी वृत्ति आत्मा से, हमारा मन, हमारा ध्यान आत्मा से चूक ना जाए, इसी की जागृति रखना, इसी का नाम तो ध्यान है। और ध्यान कोई एक घंटा कर लिया, आज मैंने आधा घंटा ध्यान किया, आज मैंने एक घंटा ध्यान किया, क्यों भाई? एक घंटा, आधा घंटा, क्या आत्मा आपके पास एक घंटा ही थी जो एक घंटा ध्यान किया? आत्मा हमारे पास कितने समय तक है? आत्मा कितने समय तक है? सदा है, सर्वदा है। आत्मा त्रिकालमय है, आत्मा का कभी नाश नहीं है, विनाश नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अक्षय है, आत्मा अमर है, अजर है। स्वयं श्री कृष्ण भी गीता के माध्यम से आत्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा क्या है? नैनम छिदंती शस्त्राणी, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पवन सुखा नहीं सकती। ऐसा हमारा आत्मा, और जैन शासन में आत्मा के जो गुण कहे हैं, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चार गुण से हम आत्मा को जान नहीं सकते, स्पर्श से नहीं जान सकते कि छू लिया और देख लिया हाँ आत्मा है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, अरूपी है। आत्मा को कोई स्वाद नहीं है कि चख करके देख लिया कि हाँ इसमें आत्मा है, और गंध सूंघ करके भी नहीं बता सकते कि आत्मा है। ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, फिर भी आत्मा है। आत्मा अनुभव का विषय है, आत्मा की अनुभूति करनी पड़ती है। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि अरे बीरबल, ये तुम बड़ी आत्मा और परमात्मा की बातें करते हो, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आज मुझे यही बताओ कि तुम्हारे परमात्मा रहते कहां हैं? अब बीरबल के लिए बड़ा कठिन हो गया, वैसे तो बुद्धि निधान था, हर समस्या का समाधान बीरबल के पास था, लेकिन आज अकबर बादशाह ने प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया कि अरे बीरबल, तू रोज आत्मा परमात्मा की चर्चा करता है, तो बता कि तेरे परमात्मा है कहां? उस परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पना थोड़ा समय दीजिए, मोहलत दीजिए, परमात्मा की खोज करनी है, परमात्मा का विषय है, तो इतनी जल्दी तो मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें समय दिया जाता है, 3 दिन तक तुम परमात्मा का विषय ढूंढ करके लाना और मुझे बताना कि परमात्मा रहते कहां हैं, परमात्मा मिलते कैसे हैं। अकबर का प्रश्न सुनकर के बीरबल घर आए,
चेहरा उतरा हुआ है, मायूस है, प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हुए हैं कि आज तक परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, परमात्मा की चर्चा करी है, बातें करी हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों से सुना है परमात्मा परमात्मा परमात्मा, लेकिन देखा कहां है? अरे आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? अब ये बादशाह ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, अब कैसे उत्तर दूं? वो विचार मग्न थे, इतने में बीरबल का बेटा घर में घुसा। उसने देखा कि पिताजी आपके चेहरे पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं देखा, आपको कभी गमगीन नहीं देखा, लेकिन आज आपका चेहरा मायूस क्यों है? उसने कहा कि बेटा ये बात है, आज बादशाह ने यह प्रश्न पूछ लिया और बादशाह के दरबार में आज दिन तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने सभी का उत्तर दिया है और सबको निरुत्तर किया है, इसीलिए बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में मेरा भी स्थान है। लेकिन यह प्रश्न तो बड़ा अटपटा है, यह तो अध्यात्म का प्रश्न है, यह तो अनुभव का प्रश्न है, जो आत्मा और परमात्मा का जिसने अनुभव किया है वही बता सकता है। तो उस समय बीरबल का बेटा कहता है कि पिताजी घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? अरे मामूली सा प्रश्न है। अरे बेटा मामूली नहीं है, बहुत गहरा प्रश्न है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं भी आपका बेटा हूं, आप बुद्धि निधान हैं, मैं भी आपका बेटा हूं, अगर कोई बात नहीं आप कल महल के अंदर में जाना और बादशाह सलामत से कहना कि बादशाह सलामत आपका इस सामान्य से प्रश्न का उत्तर मैं क्या मेरा बेटा भी दे सकता है, इतनी बात कह देना और अगले दिन मुझे ले जाना। बीरबल ने कहा कि कमाल है, मेरा बेटा उत्तर देगा, कोई बात नहीं। बादशाह को जाकर के कहा कि बादशाह सलामत आपका ये सामान्य सा प्रश्न और इसका उत्तर मैं क्या दूंगा, अरे छोटा बच्चा भी दे सकता है, अरे इसका उत्तर तो मेरा ही बेटा दे देगा। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीरबल का बेटा वो बच्चा यहां आकर के इस प्रश्न का उत्तर देगा। कोई बात नहीं, उसको दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन बीरबल अपने बेटे को लेकर के दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद में बादशाह ने उस बच्चे को सिंहासन पर बिठाया, बड़े गौर से उसको देखा, प्यार से देखा। फिर बादशाह ने कहा कि बेटा आज तुम हमारे महल में दरबार में आए हो और मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए हो, आज पहली बार यहां पर आए हो, मैं सीधा तुमसे प्रश्न पूछूं ये उचित नहीं लगता, मुझे बताओ सबसे पहले कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि तुम आज मेरे पास आए हो और बच्चे हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुमको पहले पूछना, तुम्हारी आवभगत करना, तुमको कुछ खिलाना पिलाना, तो तुम क्या खाना चाहते हो क्या पीना चाहते हो? उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं तो भी बच्चा हूँ, मैं तो भी छोटा हूँ और आपको पता है बच्चे तो दूध पीते हैं, तो दूध मंगा दीजिए मैं दूध पी लेता हूँ। बादशाह ने ऑर्डर दिया दूध लाया जाए। चांदी के गिलास में दूध भर करके गरम गरम दूध उस बच्चे के सामने आ गया। उस बच्चे ने जैसे ही दूध का गिलास उठाया और गिलास उठा करके पीने से पहले वो उसमें घूर घूर करके देखने लगा, दूध में घूर घूर करके वो देख रहा है। अब बादशाह विचार करते कि अरे ये दूध के अंदर में क्या देख रहे, कुछ गिर गया है क्या? उसने कहा नहीं। क्या दूध खराब है क्या? अरे नहीं। तो तू इतने गौर से इस दूध के अंदर में घूर घूर करके क्या ढूंढ रहे, क्या देख रहे? उसने कहा बादशाह सलामत मैं इस दूध के अंदर में घी देख रहा हूं, घी को ढूंढ रहा हूं, इसमें घी कहां है? बादशाह ने कहा कि अरे अरे तू मूर्ख ही लगता है, अरे दूध में भी कोई ऐसे देखने से घी दिखता है? उसने कहा बादशाह सलामत तो फिर कैसे दिखता है? उसने कहा कि बेटा पहले दूध को गर्म किया जाता है, तपाने के बाद में उसमें दही का खट्टा डाला जाता है, फिर उस दूध को जमाया जाता है, जमने के बाद में उस दूध को दही को बिलोया जाता है,
फिर उस बिलोने के बाद में उसकी छाछ बनाई जाती है, फिर उस छाछ में से मक्खन निकाला जाता है, फिर उस मक्खन में से घी निकाला जाता है, इस तरह से दूध में से घी निकाला जाता है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, जब दूध में ही घी है तो ये दूध के अंदर में घी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसने कहा कि अरे बेटा, भले दूध में ही घी है लेकिन घी तक पहुंचने के लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो फाइनल राउंड के अंदर में हमें घी मिलता है। दूध में सीधे सीधे घी नहीं मिलता, उसके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से दूध में घी मिलता है। तो बादशाह सलामत, आपने पिताजी से क्या प्रश्न पूछा था कि तेरे परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो बादशाह सलामत उसका उत्तर यह है कि जैसे दूध में घी रहता है और घी दिखाई नहीं देता, उसी तरह से आत्मा परमात्मा आत्मा में रहते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। और यदि उस परमात्मा तक पहुंचना है तो उसके लिए प्रोसीजर है। आप सोचो कि सीधे सीधे मुझे परमात्मा दिखा दो, तो ऐसे परमात्मा नहीं दिखते। जैसे सीधे दूध में घी दिखाई नहीं देता, उसी तरह से सीधे आत्मा में परमात्मा भी दिखाई नहीं देते। जैसे दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, छाछ बनानी पड़ती है, मक्खन निकालना पड़ता है, उससे घी निकालना पड़ता है, उसी तरह से इस आत्मा को भी तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, इसको भी हमें साधना में लगाना पड़ता है, संयम के अंदर जोड़ना पड़ता है। तप जप संयम साधना क्रिया सदाचार से इन प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते, इन कर्मों की निर्जरा करते करते, और उसके बाद में इस आत्मा में परमात्मा प्रकट होते हैं। आत्मा तो आत्मा में ही रहते हैं लेकिन उसको भी प्रकट करने का एक प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहां रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। और ये आत्मा आपके और हमारे सबके पास में है। जब आपके पास भी आत्मा है, मेरे पास में भी आत्मा है, तो परमात्मा कहां है? हमारे भीतर है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं खोए हुए नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर ही बैठे हैं, परमात्मा कहीं गए नहीं हैं, एक क्षण भी परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। आत्मा शाश्वत है, अनादिकाल से है, तो अनादिकाल से ही परमात्मा हमारे साथ है। लेकिन हमने अपने परमात्मा की दुर्दशा कर दी है, हमने अपने परमात्मा को गंदगी में डाल रखा है, कचरे की पेटी में डाल रखा है, कर्मों के आवरणों से बांध रखा है, चारों तरफ कर्मों की दलदल इकट्ठी करके रखी है और अंदर में सोने का वो कड़ा बैठा है, हीरा कोहेनूर अंदर पड़ा है, चमक रहा है, तमक रहा है, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, अक्षय अजर अमर से, सुखों से हमारा भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो भीतर तो चमक रहा है लेकिन ऊपर हमने आत्मा के ऊपर में क्या कर दिया? कचरा भर दिया, आवरण डाल दिए। सूर्य के ऊपर कितने भी बादल आ जाएं, कितने भी बदलियां आ जाएं, सूर्य का प्रकाश भले हमारे पास यहां पर कम पहुंचे, इतने बादल छा जाएं कि सुबह 7 बजे ही शाम के 7 बज जाए ऐसा दिखाई दे, लेकिन भले इतने बादल छाने पर भी उस सूर्य का प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन बादलों के पीछे सूर्य की स्थिति कैसी है? वहां तो वो चमक रहा है, वहां तो उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं है, उसकी उज्ज्वलता में कोई कमी नहीं है, वहां तो वो पूरे चमक के साथ में सूर्य अपने स्वरूप के अंदर में प्रकाशमान है, लेकिन बादल आ जाने से उसके जो किरणें हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती। हमारी आत्मा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। चंदेशु निम्मल यरा, आई चेसु अहियम प्यास यरा, सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हमारी आत्मा सिद्ध भगवान के जैसी, हजारों हजारों सूर्य का जितना प्रकाश हो उससे भी अनंत गुना प्रकाश हमारी आत्मा में है। हजारों चंद्रमाओं की जितनी शीतलता है उससे भी अनंत गुना शीतलता हमारी आत्मा में है। सागर वर गंभीरा, अरे संसार के सारे अनंत सागरों का जल और उसकी गंभीरता और गहराई जितनी है उससे भी अनंत गुना गहराई और गंभीरता हमारी आत्मा में है।
ऐसी हमारी आत्मा का स्वरूप है। अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं खोजना, परमात्मा तो भीतर है। बाहर की जो हमारी धर्मचर्याएं हैं, बाहर की जो हमारी क्रियाएं हैं, वो भी हमारे को भीतर जाने के लिए ही है। हम परमात्मा का दर्शन करते हैं वो भी इसलिए कि बाहर से हम भीतर जाएं। वो परमात्मा मेरी वितराग दशा को दिखा रहे हैं कि अरे प्राणी, अरे जीव, ये तेरा स्वरूप है और तू कहां भटक रहा है। उसको देख करके हम अपने भीतर वितरागता में आए, इसलिए परमात्मा का दर्शन है। ये जितनी धर्मचर्याएं हैं, चाहे सामायिक है, प्रतिक्रमण है, पौषध है, तपश्चर्या है, ये किसके लिए? भीतर जाने के लिए। सामायिक समता की साधना किसके लिए? आत्मा का गुण है समभाव, समत्व की साधना। हम अपनी आत्मा के मूल स्वरूप में आए, इसलिए सारी धर्म क्रियाएं हैं। लेकिन हम बाहर की क्रियाएं तो कर लेते हैं और बाहर ही रह जाते हैं, भीतर तो उतरते ही नहीं हैं, भीतर का तो कभी स्पर्श किया ही नहीं, भीतर में कभी गए ही नहीं। कारण, भीतर के अंदर में विचारों का युद्ध चल रहा है। हमारे भीतर में भीड़ भरी हुई है। कितनी भीड़? मेरे और मेरेपन की भीड़, मैं और मेरे की भीड़, विचारों की भीड़, संकल्प और विकल्पों की भीड़। इतनी तरंगे उछल रही हैं, तरह तरह के संकल्प विकल्प चल रहे हैं और वो सारी भीड़ हमें टिकने नहीं देती। हम जितना भीतर उतरते हैं, अंदर से विचार ही विचार दिखाई देते हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, द्वेष के। आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं लेकिन भीतर विकार ही विकार, भीतर में विषय, वासनाएं, विकार, कषाय अंदर भरे हुए हैं और वही हमें दिखाई देते हैं। उनमें से ही हम खो जाते हैं। आत्मा का ध्यान तो एक तरफ छूट जाता है, फिर वापस संसार के विचारों में, ध्यान में ही खो जाते हैं। लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। निरंतर यदि हम अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर भीतर उतरने का हम प्रयास करते रहेंगे, तो निश्चित दिन एक दिन ऐसा आएगा कि इन विचारों की भीड़ में से भी हम उतर करके भीतर चले जाएंगे। क्योंकि जो अंदर भरा है, एक बार तो उसको निकालना ही पड़ेगा। ये भरा भी तो हमने ही है और खाली भी हमको ही करना है। जितना अंदर कचरा भरा है, इसकी सफाई भी हमको ही करनी है। आत्मा के ऊपर में इतने आवरण आए हैं, इसलिए हमें आत्मा का बोध और आत्मा का भान नहीं होता। हम भले कितना भी अकेले रह ले, सोच ले अकेले रहने में हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब तक मन के भीतर में आपके विचार हैं, तरंगे हैं, आप बाहर कितना भी अकेले रह लो, लेकिन भीतर भीड़ में हो। और जो भीतर भीड़ में है, वो कभी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारी पारिवारिक स्थितियां कैसी हैं? आज सब अकेले अकेले जीने के आदि हो गए। आज हम अपने परिवारों की स्थिति को देखें, जो आज हमारी भारतीय संस्कृति जिस तरह से उसका विनाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसमें यदि हम देखें तो आज हमारे घरों में, परिवारों में, हमारे जीवन के अंदर में एकाकी जीवन जीने की शैली आ गई है। परिवार में रहते हैं लेकिन अकेले जीना है। आज घरों में सबके अपने अपने कमरे, पति का अपना कमरा, पत्नी अपने कमरे में, बेटा अपने कमरे में, बहू अपने कमरे में, बेटी अपने कमरे में, घर में घुसे सीधा अपने कमरे में। सभी को अपने अपने अकेले रहना, अकेले जीना है। किसी को किसी का आता नहीं, पता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। घर में कितने सदस्य हैं वो भी ठिकाना नहीं। सब अकेले जीवन जी रहे हैं। आज की हमारी जीवन शैली कैसी हो गई? आजकल लोग कहां मिलते हैं? घर में नहीं मिलते। आजकल लोग व्हाट्सएप पे मिलते हैं, आजकल लोग फेसबुक पे मिलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भले उसका एक भी दोस्त नहीं होगा, लेकिन फेसबुक पे 5,000 दोस्त होंगे उसके और काम एक भी नहीं आएगा। वहां पर भीड़ लगी है, लेकिन जिनके साथ में जीना है, रहना है, उनके साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है।
एक बार पिता ने देखा कि बेटा ऑनलाइन है और उसने व्हाट्सएप किया बेटे को। बेटे ने देखा पापा का मैसेज आया, पापा को नमस्कार किया, पापा ने भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद में पापा ने पूछा बेटा कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, मैं भी अच्छा हूँ। बेटा कहाँ हो, पापा मैं अपने रूम में हूँ। तो पापा ने देखा बेटा अगर हो सके तो नीचे टेबल पर आ जाओ, बड़े दिन हुए साथ में बैठ करके चाय नहीं पी। बेटा ऊपर कमरे में है, बाप नीचे टेबल पर बैठा है, लेकिन बातचीत व्हाट्सएप पे चल रही है कि बेटा अगर हो तो आज नीचे आ जाओ, बड़े दिनों से अपने मिले नहीं हैं, साथ बैठ के चाय नहीं पी है, और वहां पर बैठ करके एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे। ये एकाकी जीवन, ऐसा एकत्व नहीं चाहिए, इस तरह का एकाकी जीवन नहीं चाहिए। परिवार में रहना है तो सहयोगात्मक जीवन जीना है, सबके बीच में रह करके लेकिन अपनी आत्मा के साथ जुड़ करके और बाहर की स्थितियों में रह करके भी जीना है। आज हमारी पारिवारिक श्रृंखलाएं टूट रही हैं। आज जैसे ही बेटे की शादी हुई और शादी होते ही बहू रानी घर आई और तीसरे ही दिन बहू रानी और बेटा हम आपके साथ नहीं रह सकते, मम्मी पापा के साथ नहीं हम रहता, अलग फ्लैट लो तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं ये गई। और आज बहू आते ही बेटे को अलग होना पड़ता है, अलग हो जाते हैं, मम्मी पापा अलग, बेटा बहू बच्चे अलग, एकाकी जीवन। और उस वृद्धावस्था में जहां पर बच्चों की सेवा की जरूरत है, उसी अवस्था के अंदर में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में या तो वो अपने वृद्ध माता पिता को, घर के अंदर कोई बीमार है, रोगी है, कोई ऐसी स्थिति में है, तो उसकी सेवा को छोड़ करके या तो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, उसको अकेले छोड़ देते हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देते, पड़ा है तो पड़ा है, दवाई नहीं, ध्यान नहीं, कुछ लेना देना नहीं, जहां मर्जी पड़ा हो बुढ़ा। ऐसी स्थितियां आज हमारे भारतीय परिवारों के अंदर में आ रही हैं, जबकि एक समय ऐसा था कि जब परिवार के अंदर कोई बीमार होता था तो सारा परिवार मिलकर के सेवा करता था। परिवार छोड़ो, पड़ोसी आकर के पूछते थे, अरे मोहल्ले में पता लग जाए, सारा मोहल्ला साता पूछने आता था कि उसके घर के अंदर कोई बीमार हो गया। और आज घर में कोई बीमार हो जाए तो बच्चों को नहीं पता, बेटों को नहीं पता, पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं कि बाजू में कौन मरा है, कौन जिया है, मोहल्ले की तो बात ही छोड़ो। आज हमारा जीवन व्यवहार कैसा हो गया, ऐसा एकाकी जीवन नहीं चाहिए। इस तरह के जीवन जीकर के हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी हम जीवन में शांति नहीं पा सकते। पहले व्यवहारिक जीवन को हम शुद्ध करें, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन की बारी आएगी। आध्यात्मिकता की बातें तो बहुत ऊंची हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर सबसे पहले हमें अपने घरों के अंदर में अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। ये सब बाहर के दूसरे देशों की सभ्यता है जहां पर कोई किसी से लेना देना नहीं, बच्चा हुआ सरकार परवरिश करती है, माँ बाप का कोई लेना देना नहीं, बच्चे को माँ बाप से लेना देना नहीं, माँ बाप को बच्चे से लेना देना नहीं, कोई रिश्ते नहीं, नाते नहीं, कोई किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं, सरकार पालती है, सरकार पढ़ाती है, सरकार देखती है। जैसे पशु बच्चे को जन्म देता है, थोड़े समय तक उसका पालन पोषण किया, फिर पशु भी, बच्चा भी अलग और वो उसके माँ भी अलग, ये पशु जीवन है। लेकिन भारतीय संस्कृति पारिवारिक संस्कृति है। एक बार एक भारत के सेठ जी हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए और अमेरिका में हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी सर्जरी हुई। ऑपरेशन होने के बाद जब वो कुछ हॉस्पिटल के अंदर में आईसीयू से वार्ड में आ गए, रूम में आ गए, और उसके बाद में भारत से उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी, उनकी जमाई और पारिवारिक जन रिश्तेदार, वे भारत से अमेरिका
उनको देखने के लिए, मिलने के लिए गए, तबीयत का साता पूछने के लिए गए। जैसे वो रूम के अंदर में पहुंचे और वहां पर साता पूछने के बाद में सभी एक दूसरे के साथ में हंस हंस करके बातें कर रहे थे, खिलखिला करके बातें कर रहे थे, माहौल खुशनुमा था। उस रूम के अंदर में बाजू के बेड में ही एक अमेरिकन व्यक्ति वो लेटा हुआ था और उसका भी ऑपरेशन हुआ था और वो व्यक्ति रोने लग गया। तो इधर का जो भारतीय पेशेंट था वो सेठ जी उस अमेरिकन व्यक्ति को रोता हुआ देख करके कहते कि अरे भाई, भाई साहब क्या हुआ, क्या हमारी बातों से आपको कोई कष्ट हो रहा है, क्या हमारे बोलने से, हमारी आवाज से आपको कोई पीड़ा हो रही है जिस कारण से आप रोने लग गए। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप रोने क्यों लगे? उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि आप भारत से आए हो और भारत से आने के बाद में आपने अमेरिका में ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के बाद में भारत से आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पुत्री, आपका जमाई, आपका परिवार आपको मिलने के लिए अमेरिका आया है और मैं तो अमेरिका रहता हूं, हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, मेरा बेटा भी यहां रहता है, बहू भी यहां रहती है, मेरा परिवार भी यहां रहता है, लेकिन मेरे को पूछने के लिए आज तक कोई नहीं आया, ना बेटा पूछने आया, ना बहू पूछने आई, ना मेरी बेटी पूछने आई, किसी को मेरे से कोई लेना देना नहीं। कहां आपके परिवार का, कहां आपके देश की संस्कृति और कहां हमारी संस्कृति जहां पर मुझे हॉस्पिटल ला करके पटक दिया लेकिन मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। और मेरा बेटा भी डॉक्टर को फोन करके पूछ लेता है कैसे है, ठीक है, अगर ठीक हो जाए तो घर भेज देना और अगर ऊपर चले जाएं तो दफना देना। यह हमारे देश की संस्कृति, कहां भारत और कहां बाहर के देश। लेकिन आज आवश्यकता है हम अपनी पारिवारिक संस्कृति को संभाल करके रखें, हम अपने रिश्तों को बना करके रखें। आज हमारे परिवार छोटे 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 होते जा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी हम साथ नहीं खड़े रहते। और यह भी बात पक्की है, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। आप जितना सुख बांटोगे उतना ही आपका सुख बढ़ता चला जाएगा और जितना दुख आप दूसरों को कहते चले जाओगे उतना दुख आपका बांट करके कम होता चला जाएगा। और अगर अंदर ही पीते जाओगे तो, अगर आप दुख को बाहर नहीं कहोगे, पांच सात अपने लोगों को नहीं बताओगे तो आप दुख पी पी करके ही आप खत्म हो जाओगे। इसलिए दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो ऐसा एकत्व का जीवन जहां पर दृष्टि आत्मा पर हो और व्यवहारिक जीवन के अंदर में हम बाहर भीड़ में भी रह करके, बाहर की जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए, सभी प्रकार के कामकाज करते हुए भी भीतर में हमारी दृष्टि कहां है वो देखना है। भरत महाराजा मन में ही वैरागी, बाहर से तो लगता था कि ये तो क्या है इसके जीवन में, ये भरत, अरे ये महलों में रहने वाला, ये सुख भोग करने वाला, ये तो नॉर्मल सा दिखने वाला, अरे ये युद्ध करने वाला, ये शासन करने वाला, ये राजतंत्र चलाने वाला, ये 64,000 रानियों को भोगने वाला, और ये भरत महाराजा इतने सुखों में रहने वाला, क्या ये आध्यात्मिक हो सकता है? लेकिन नहीं, वो सारे बाहर के काम करते हुए भी भरत की अंतर की दृष्टि कहां थी वो तो ऋषभदेव भगवान ही जानते थे। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने कहा कि मेरा बेटा भरत राजमहलों में रहते हुए भी ये मोक्ष में जाएगा। और सोनी, तू गरीब है, छोटा परिवार है, छोटी तेरी दुकान है, लेकिन तू फिर भी नरक में जाएगा। हम बाहर से किसी व्यक्ति का हम पता नहीं लगा सकते कि उस व्यक्ति की अंतरचर्या कैसी है, उसके भीतर की स्थिति को तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, हमारी और तुम्हारी दृष्टि क्या जान सकते हैं। कौन सी आत्मा भीतर से आत्मा परमात्मा से जुड़ी है? बाहर से ज्ञानी भी तो हमारे संसार में रहता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, संसार निभाता है, वो भी बच्चों का पालन पोषण करता है, वो भी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन सबके बीच में रह करके भी अंतर से न्यारा रहता है।
अंतर से उसको कोई किसी से लगाव नहीं होता, किसी से जुड़ाव नहीं होता, वो भीतर तो आत्मा से जुड़ा रहता है। एकत्व भावना हमें आत्मा से जुड़ना सिखाती है, आत्मा ही परमात्मा है। 24 घंटे हमारी आत्मा हमारे साथ है तो ध्यान कितने समय करना? 24 घंटे करना। एक क्षण भर भी हमारा ध्यान, हमारी जागृति इस आत्मा से अलग ना पड़े। ऐसा ध्यान, ऐसी जागृति हमें आत्मा के साथ जोड़ करके रखनी है। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। एगो में सासो अप्पा नान दंशन संजुरो, मैं अकेला आत्मा हूं, ज्ञानमय हूं, दर्शनमय हूं, यह मेरा स्वरूप है। ऐसे आत्मा के गुणों को याद करके हमें दृष्टि आत्मा पर रखनी है और बाहर सारे काम करते हुए भी हमें भीड़ से अलग रह करके एकत्व भावमान में स्थिर होकर के हमें आगे बढ़ना है। नमी राजऋषि का कथानक फिर आगे रह गया है, चलिए आने वाले समय में उसको फिर आगे लेंगे, आज इतना ही। चसा कायेना इंद्रादिन्नाम नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय पन्यास प्रवर जी धर्मशील विजय जी महाराज, वैराग्य दक्ष मुनि पुंगव, पूज्य मोक्षानंद विजय जी महाराज, पूज्य पद्मशील श्री महाराज एवं धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहन, अभी अभी हमारी आत्मा की चर्चा चल रही थी और रोज रोज ही एक ही चर्चा चलती है। वस्तुतः देखा जाए मानव भाव को पाने के पश्चात अगर समझने जैसी कोई वस्तु है तो वो आत्मा ही। आत्मा और परमात्मा की बातें मानव जीवन में ही होती है, इसी कारण मोक्ष भी मानव जीवन से ही है। नारकी जीव वो आत्मा परमात्मा की बातों को सुन नहीं सकते क्योंकि इतने दुखों के अंदर है। इसी के साथ साथ त्रियंच गति के जीव जो पशु पक्षी सुन सकते हैं, इनके पास कर्ण इंद्रिय है, सुन सकते हैं परंतु समझ ही नहीं सकते। देवता लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मा और परमात्मा की बातों को समझ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, परंतु आचरण ही नहीं कर सकते, कोई क्रिया नहीं कर सकते। सुनने तक ही उनका जीवन सीमित है, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट जीवन किसका कहा जाता है? मानव। वह सुन भी सकता है, समझ भी सकता है और जीवन के अंदर आचरण भी कर सकता है। ऐसा उत्तम मानव जीवन पाने के पश्चात अब हम प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री जी कभी अनित्य भावना, कभी अशरण भावना, कभी संसार भावना और चौथी आ गई एकत्व भावना। अब हमने अपनी आत्मा की भी शोध और खोज करनी है, क्योंकि मानव जीवन में आने के पश्चात आत्मा तीन प्रकार की बन जाती है, इसको याद रखना है। तीन प्रकार की आत्मा हो जाती है। नंबर एक बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहेंगे? आत्मा तो अंदर है, आपके भी है, हमारे भी है, परंतु आत्मा में अंदर होते हुए भी हमारी जितनी क्रिया है, हमारा जितना व्यवहार है, हम जो कुछ करते हैं सारे शरीर को लेकर के बाहर के लेकर 24 घंटे ही हमारे बाहर में चले जाते हैं। खाना पीना मौज मजा ऐशो आराम बस इसी में। आत्मा होते हुए भी हम संसार के व्यवहार में, संसार के बाह्य और भौतिक सुखों के अंदर ही आनंद को मानते हैं। कोई त्याग नहीं, कोई तप नहीं। एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो तप और त्याग को कर सकता है और उसमें भी
जैन धर्म के अंदर एक विशेषता है, सभी धर्मों में त्याग भी है, तप भी है। कई लोग दिन में नहीं खाते, रात को खा जाते हैं। कई लोग ऐसे होते फलाहारी होते हैं, सारा दिन फल ही खाना। कई लोगों का ऐसा त्याग होता है, करवा साल में एक दिन के लिए करवा चौथ आ जाती है। बनाते कितने रात का ही राजमा चावल रात के ही बना के खा जाती है। नहीं, जैन धर्म का तप है, उसके साथ में त्याग है। अकेले तप से नहीं चलता, तप के साथ त्याग भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हर एक धर्म के अंदर थोड़ा 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 तप त्याग है। ऐसा नहीं कहेंगे कई फलाहार, कई अनाज ही नहीं खाते। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने जीवन के अंदर अनाज ही नहीं खाया, चाहे दूध पी लो, चाहे केला खा लो, फ्रूट खा लो, उसके ऊपर जीवन गुजारते। परंतु देखने की बात, ये त्याग किस लिए किया? क्या अंतर की आत्मा को निर्मल और पावन बनाने के लिए किया, कि लोगों को दिखाने के लिए, जहां हमारे जो पर्व आ गए उनको करने के लिए? जब तक दृष्टि आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा में से कर्मों को बाहर निकालने के लिए उन भावों से नहीं किया, तब तक वो कर्म निष्फल नहीं होने वाली, पुण्य का बंध जरूर होगा। जितना जितना त्याग करते जाएंगे उतना उतना पुण्य बदलता जाएगा, जितना जितना पुण्य होगा उतना उतना बाहर का सुख मिलता जाएगा। बाहर का सुख कहीं नहीं आने वाला, तप और त्याग से ही आने वाला। इसलिए हमें जीवन के अंदर त्यागी तो बनना ही चाहिए। तपस्वी ना बन सको ना कभी, तो त्यागी तो बन जाओ। तपस्या अपने, कई लोग मास्क मन कर लेते हैं, कोई 15 कर लेते हैं, नहीं खाते 15 दिनों तक, कई 28 कर लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको सुबह सुबह नवकारसी करनी ही पड़ती है, दवाई लेनी ही पड़ती है। परंतु त्यागी तपस्वी नहीं बन सके तो कम से कम त्यागी तो बनना चाहिए। जिनके बिना हम रह सकें, नहीं कुछ कर रहे तो कंदमूल का ही त्याग कर दो, अबक्षे का ही त्याग कर दो। जो चीज़ें नहीं खाने जैसी, 32 अबक्षे आते हैं, उनका ही त्याग कर दो। कुछ तो करो, पुण्य आएगा कहाँ से? अगर मानव जीवन को पाने के बाद भी पुण्य ना कमाया था, क्या मानव जीवन का कोई अर्थ है? वह तो बहिरात्मा, जिसको केवल खाने पीने में ही मौज आए। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तुम्हारो कुल बिल बिड़ाई, खाओ पियो मौज करो, शादी करो, बच्चे जन्मो, फिर तो मरी जाना है। ये कोई जिंदगी है? ये तो पशु भी ऐसे ही करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, मौज करते हैं, कल को वो भी मर जाते हैं। हमारा और पशु में अंतर क्या रह गया? इसलिए बहिरात्मा वाला 24 घंटे बाहर के भावों में ही रहता है। काम करना है, खाना है, पीना है, सोना है, आत्मा नाम की कोई चीज की चिंता ही नहीं। ऐसे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। पहले से लेकर के 3 गुण ठाणे तक जीव बहिरात्मा कहलाता। और दूसरा आता है, दूसरा पता, अंतरात्मा। पहला बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा, जो संसार में रहता हुआ भी जिसका मन सदैव अपनी अंतर आत्मा में ही लगा रहा है। अरे कोई कर्म बंधन तो नहीं हो रहा, मैं कोई पाप तो नहीं बांध रहा, और पल 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 पुण्य और पाप की चर्चा जिसके मन में 24 घंटे रहती है, वो अंतर आत्मा। भले वह संसार में रहे, खाता है, पीता है, मौज करता है, पैसा कमाता, सब कुछ करता है, परंतु अंतर से न्यारा रहता है। जैसे कि अब अकबर बीरबल का दृष्टांत सुना है तो मुझे भी एक याद आ गए। उसको चुटकुले जैसे भी बड़े मजेदार होते हैं। एक बार अकबर और बीरबल ना, बीरबल को, अकबर को लगता था जब बीरबल एक ऐसा बुद्धि निदान है, इसको कभी ना नीचा नहीं दिखाया जाता। हर बात में अपनी टांग ऊंची, हर बात में अपनी टांग ऊंची, आज तो मैं इसको नीचा दिखा के छोड़ूंगा। मन ही मन कल्पना की, प्रातःकाल सभा लगी। सभा के अंदर कहता है कि ये सभा जनो, आज ना रात्रि के समय मैंने बीरबल के लिए ना एक सपना देखा। बीरबल बैठा हुआ था, समझ आता है, इतना सा बोलो तो उसको अंदर की सारी समझ आ जाती है। आज सभा के बीच में बीरबल का नाम क्यों लिया गया? बिना कारण। मैंने ना बीरबल के बारे एक सपना देखा, परंतु मैं बीरबल को कहूँगा कुछ कहना नहीं, सपना तो सपना ही होता है ना, जैसा भी आया मैंने सुना देता हूँ। कहता महाराज सुनाइए,
क्या मेरे बारे सपने में आपने मुझको देखा, मेरे जैसा पुण्यशाली कौन? कहता है क्या देखा? कहता तू और मैं ना जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाते जाते घोड़े पर बैठे हुए थे, बड़ी तेजी से घोड़ा चला, बड़ी तेजी से गड़ा, तो जैसे जा रहे थे ना तो जाते जाते रास्ते में ना दो खाई आ गई, घोड़े इतनी तेजी से दौड़ रहे थे, उनको हम लगाम पकड़कर खींचना चाहते थे परंतु वो दोनों खड़े नहीं हुए। अंत में जाकर के ना दोनों ने ना दोनों घोड़ों ने हम लोगों को गिरा दिया। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ आगे? अरे बीरबल हुआ क्या, दो जो थे ना खड्डे थे, एक था विष्ठा का और दूसरा था अमृत का। अच्छा महाराज फिर आप कहाँ गिरे और मैं कहाँ गिरा? कहते देख जो हुआ मैं तेरे को बता देता हूँ, तू तो गिरा विष्ठा के गड्ढे के अंदर और मैं गिरा। जैसे ये लोगों ने तालियां बजाई, वाह रे वाह वाह रे रा, अरे जे बीरबल छी 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 कहाँ गिरा, अरे गंदे गड्ढे के अंदर गिरा। आज तो माँ अकबर बादशाह ने नीचा दिखा ही दिया, सारे लोगों ताली बजाई। मतलब कि सपना है, उस समय चुप रहा, फिर खड़ा हुआ, महाराज मैंने भी एक सपना देखा, बिल्कुल ऐसा ही देखा था। क्या देखा? मैं भी देखा, हम दोनों जा रहे हैं घोड़े पर, चलते चलते दो खड्डे आ गए और खड्डे के अंदर घोड़ों ने ना हमको गिरा दिया, मैं भी गिर गया, आप भी गिर गए, मैं विष्ठा के खड्डे में गिरा और आप अमृत के खड्डे में। आपने तो इतना ही देखा, मैंने कुछ आगे भी देखा। अकबर सोचने लगा ये बड़ा बुद्धि निदान है। अच्छा तूने क्या देखा? कहता महाराज अभय दान देना, सपना तो सपना, आपने जो शब्द उसने कहे वो उसने उठाया। महाराज सपना तो सपना ही होता है, जब बाहर निकले मैं विष्ठा से भरा हुआ था और आप निकले तो, और इतना नहीं क्या हुआ, आप मुझको चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। अकबर ने सोचा इसको कोई हरा नहीं सकता, मैंने कोई सपना देखा था, मैं तो वैसे ही बना लिया था और इसने कहा हाँ सपना देखा, इसने भी आगे बढ़ा लिया। इससे क्या अर्थ निकलता है, भले गड्ढे के अंदर गिरा विष्ठा के परंतु चाटा क्या, हम संसार रूपी विष्ठा के गड्ढे के अंदर पड़े रहे कोई बात नहीं, परंतु अंतर मन से चाटना किसको है? आत्मा को, अंतर मन से आत्मा का निरीक्षण करना, उसका स्वाद लेना है। इस बार जो अंतर आत्मा बोलते हैं वो बाहर से भरे कुछ भी करें परंतु अंतर से निराले रहते हैं। और तीसरे आते हैं परमात्मा, बहिरात्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा। हमारी आत्मा को तो एक दिन परमात्मा तो बनना 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 ही है, जितना तप और त्याग करते चले जाएंगे उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ में वो सूचना सुन लीजिए, जो सूचना आपको सुनाई जाए वो आगे भी सुनाते रहना ताकि हर एक को पता। पूज्य महाराज जी सारा काम वो सूचना काम आप पूज्य गुरुदेव ही करते हैं, परंतु फिर भी आपको थोड़ी सी सूचना दे दें। आज कितनी तारीख होगी? चार, पांच और छः कर लो घर के काम, वख्यान में तो आ ही आना। ऐसा ना कहा महाराज जी आपने कहा था काम कर लो, हम वख्यान में नहीं आएंगे हम। अरे वख्यान ये एक प्रकार का भोजन है, एक प्रकार की औषधि है जो हमारे कर्म रोगों को नाश करती है। तो 7 तारीख को यहीं पर ऋषि मंडल महापूजन, 24 तीर्थंकरों की आराधना, ऐसे पूजन कभी कभार अपने नगरों में हुआ करते हैं। ट्यूडर परिवार की ओर से ये पूजन होता, 24 भगवानों को कैसे सजाया जाएगा, किस रीति से बाहर के विधिकार का आएंगे वो इस पूजन को कराएंगे। अगर हम हमारा उसमें नंबर लग गया पूजा के कपड़ों में, तो पूजा के कपड़े पहन करके कहीं ना कहीं बैठने का नंबर लग गया तो हमारा ओह भाग्य, नहीं तो पूजन को देखना जरूर। ऐसे पूजन कभी कभार तो हुआ करते हैं, अपने अकेले इतना बड़ा लाखों का पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम हाजिरी देकर के उसको देख तो सकते हैं। तो ऋषि मंडल पूजन 7 तारीख को, 8 तारीख को क्या है, प्रकट प्रभावी राज राजेश्वरी हमारी माँ पद्मावती जी का महापूजन, महापूजन। उस माँ का ना सब कुछ निराला ही है। सोचा था कि इतने सारे जोड़े लाएंगे कहाँ से, सब लोग काम वाले हो गए, सीजन चलने लग गए, आपस में वार्ता जा 54 ले लेते हैं, चलो 54 लेते हैं, 54 लेंगे तो 108 लोग तो खो ही जाएंगे अपने। ठीक है जी, वार्ता
तो हम कह सोचे कि लेते जाते जिसका नाम आ जाए तो ले लेते हैं। करते 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 108 हो, 108 जोड़े। और जिस परिवार ने लाभ लेना था, हमारे कसूर वाला परिवार, राजेश जी, अभिनव जी और तीसरा अमन जी, तो आए कि थे पूज्य महाराज श्री जी कितने नाम आ गए। मैं कहा 60-70 तो नाम हमारे पास ही हैं। कहते थोड़े काफ़ी नाम तो हमारे परिवार के भी आ गए। तो मैं कोई बात नहीं 108 कर लेते हैं। तो इन्होंने पहले से एक पता नहीं था कि इतने जुड़े हो जाएंगे, जो तो कल्पना भी नहीं थी। जिस कारण से कहा महाराज जी हम अपनी ओर से माँ का पूजन कराना है, एक खुशी के अंदर आके हमने सबको पूजा की साड़ी और भाइयों को पूजा की जोड़ देनी है। तो कितना नकरा रखें महाराज जी, कोई बात नहीं, नकरा तो एक नकरा रह गया, हम नहीं करना ना, पूजन तो हम करा रहे हैं। चलो महाराज जी, लोगों को ऐसा ना लगे कि हम बिना पैसे की कोई चीज़ ली है, तो चलो हमारे 500 रुपया नकरा है। 500 रुपये तक धोती ना आवे, साड़ी भी नहीं आ 500 रुपये की है। ये आई सूरत से, सूरत और सूरत ही है, हमने 500 रुपये नक्की कर लिया। चलो कोई बात नहीं, कितनी आ जाए 108 जोड़ लेने हैं ना, चलो 108 कर लेते हैं, 500 रुपये नकरा रख लिया। जब साड़ियाँ वगैरह पूछी सूरत से, कहते हमारे जो हो गया सो हो गया, रखा था 500 तो 500। मैं कहा पहले अपने सोचा नहीं इतना गहरा कि कितना खर्चा आएगा। कहते इसकी बात चिंता ना करो, चलो ठीक। 108 पूरे हुए, फिर दे नाम के नाम, दे नाम के नाम। महाराज जी मारा लिखो, हमको अभी पता चला तो अभी लिखाएंगे ना, हमारा नाम तो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखा दे। करते करते 60, 70, 80, 90, 100 नाम तो हमारे पास आ गए। मैंने समाचार दिया, भैया क्या करें, 100 नाम तो हमारे पास, बाकी नाम आपके पास। कहते 50 नाम तो मेरे पास है महाराज जी। फिर क्या करें अब, बढ़ा दें? कहते ना 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 ना, ये कुछ नहीं करना, जब लाभ लिया तो लिया, आप सच नहीं मानोगे। करते 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 225 नाम उस माँ पद्मावती के पूजन के अंदर आ चुका। धन्य है परिवार। पर यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो 200-250 कितना बंदा बैठ जाए, अब 225 हो, कितने डबल कितने हो गए, 450 के करीब डबल हो गए। अब बैठना कहाँ, कहाँ उनको बैठाना, बाहर के लोग आएंगे सारे, थोड़े पूजा वाले होंगे, कोई रिश्तेदार देखने वाले भी तो होते हैं। तो इस रीति से ये पूजन 8 तारीख को देखने जैसा होगा। 8 तारीख क्या नज़ारा होगा, क्या जलवा उस माँ का होगा। जिंदगी के अंदर ना वैसे एक साल में एक बार तो एक बड़ा पूजन करा देना चाहिए, कोई भी एक पूजन माँ का आ जाए, जो थोड़ा इतने सारे जोड़ों में करना, अपने परिवार को साथ लेके कर लिए। ये तो ठीक उनकी भावना थी, चलो बड़ा करना था पूजन, तो आपको एक साल में एक बार तो माँ का पूजन करा देना चाहिए। आज के टाइम पे माँ प्रकट प्रभावी है, हमारे जिन शासन के अंदर सबकी मनोकामना को पूरी करने वाली जे माँ पद्मावती। इसलिए मन में धारणा है कि एक साल में एक, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कह जाते हैं एक साल में एक पूजन महाराज आपके निष्ठा में हमने रखना ही रखना। हमारे कुछ बंदे निश्चित हैं, वो एक साल में एक बार पूजन कराते ही कराते। जी 8 तारीख को, अब 9 तारीख को, 9 तारीख को क्या होना है, हमारे गुरु वल्लभ की अष्ट प्रकारी पूजा। वो पूजा को बनाने का, लेखन करने का लेखक के रूप में अगर कोई है, हमारे मुनि पुंगव मुझे मोक्षानंद विजय जी मां, पूरी अष्ट प्रकारी पूजा बनाई है। अब पढ़ोगे तो हैरान होगे, पता नहीं कहाँ पर बैठ करके किस दिमाग से कितने परास से ऐसी सुंदर पूजा बनाई। पहले ऋषभदान डागा जी होते थे कलकत्ता वाले, उनकी पूजा पढ़ाई जाती थी, परंतु पूजा बहुत सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उतनी लंबी थी, उसको पढ़ाने में टाइम बहुत जाता था, परंतु थी बहुत अच्छी। परंतु लोग कहते हैं महाराज जी टाइम नहीं निकलता, महाराज जी को विनंती की गई, इन्होंने उसी पूजा में से गुरु वल्लभ कहते पल पल की घटनाओं को जानते हैं। इतनी सुंदर पूजा स्वयं लेखक के रूप में अगर किसी ने बनाई है तो हमारे पूज्य मोक्षानंद विजय जी महाराज ने। इतना ही जहाँ नहीं पढ़ाई जाती, हम जहाँ 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 भी किसी भी पंजाब के किसी शहर में चले जाओ, जहाँ पर यही पूजा पढ़ाई जाती है। हमारी 9 तारीख को यहाँ पर मांडले सहित हमारी बहनें ही आएंगी जो मांडला बनाती हैं। समाचार दे दिया, वो 9 तारीख की 8 की शाम को आके यहाँ पर बड़ा सुंदर मांडला बनाती है। क्या कमल बनाती है, कमल के अंदर गुरुदेव के चरणों की स्थापना करती है, चारों ओर दीपक कैसे जगाए जाते हैं, बड़े सुंदर। जब हम बाला चातुर्मास किया था उनको बुलाया था, आई थी, मैंने बोला वैसा का वैसा ही यहाँ पर भी बनाना है। तो मांडला बनेगा
अष्ट प्रकारी पूजा होती है, उसमें अभी फाइनल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को सारा लाभ दे दिया जाए अष्ट प्रकारी का, या आठ बंदों को दे दिया जाए, आठ व्यक्ति जल पंचंदन, तो एक एक व्यक्ति पूरा परिवार लेके आए और एक एक पूजा को कराए, एक बैठ गया फिर दूसरा आए दूसरा बैठ, इस प्रकार भी अभी योजना चल रही है, देखो क्या होता है। 9 तारीख को तो ये और 10 तारीख का प्रोग्राम सुन लीजिए, उस दिन गुरु वल्लभ की पुण्यतिथि है। हाँ, हमको पता कि आपके आंबिल वगैरह ग्रेसी में होने जा रहे हैं, आंबिल का समय तो 11 बजे से तो पहले तो नहीं होता ना, हम किसी के बीच में भी दखलदारी नहीं कर सकते, जो काम करता है करने जी, वो भी गुरु का काम है, वो भी धर्म का ही काम है, परंतु हमने गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हों, गच्छाधिपति गुरुदेव हों और गुरु की पुण्यतिथि हो, हम चुपचाप रह जाए ये नहीं रह सकते, हमसे चुपचाप भी नहीं रहा जाता, काम करना है तो करना ही है, और काम भी ऐसा करेंगे आपको आए बिना रहोगे नहीं, परंतु हम ऐसा रखेंगे उनके काम के अंदर कोई भी मुश्किल उनको ना आए। हम 11:15 आपको फ्री कर देंगे, 11 बजे आप लोगों को, परंतु 11 बजे फ्री तभी कर सकते हैं जब जल्दी बुलाएंगे, तो जब जल्दी आओगे तो उस दिन दीपक को प्रकट किया जाएगा, दीपक को प्रकट करने के पश्चात फिर 11 सुंदरतम लकीर 11 है ना, इसलिए 11 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, वो कैसे होंगे वो आपको धीरे धीरे, क्या पता हीरे के हैं, ये नहीं पता सोने के हैं, ये नहीं पता चांदी के हैं, किसके हैं, अभी फाइनल होने जा रहा है, तो ये 11 लकी ड्रॉ निकालेंगे। उसके साथ है एक काम, इसलिए आज कह दिया कि आपको वो याद करना है, सारा कुछ हम थोड़ा सुनाते जाए आपको भी तो कुछ याद रखना चाहिए ना, करना चाहिए। उस दिन 11 को 10 तारीख को प्रातःकाल दीपक प्रगट, 11 लकी ड्रॉ, उसके साथ हमारे पंजाब केसरी, ध्यान से सुनिए, पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के द्वारा रचित जो स्तवन उन्होंने बनाया, भजन नहीं स्तवन, उस स्तवन को जो मूजवानी सुनाएगा उसी समय उस व्यक्ति को परितोषिक दिया जाएगा। ये स्तवन छोड़ करके कोई आनंद बहार, कोई गाय एक आया हो ही आनंद बहार, दूसरा आया हो ही आनंद बहार, ये तो हमारा बचपन से जब से जन्मे है ना तभी से स्तवन को सुन रहे हैं। कोई आनंद बहार को छोड़ करके बाकी गुरु वल्लभ के द्वारा रचित जो स्तवन है, उन भले 5 गाथा का है, भले 3 गाथा का है, भले 6 गाथा का है, सुनाना है मूजवाणी। मूजवाणी यहाँ खड़े होकर के आप सुनाओगे, 5 गाथा वाला हो, 3 गाथा वाला हो, वैसे 5 गाथा से कम नहीं होता है, तो छोटा है जैसे किसी की एक एक लैंड का ही होता है, नहीं आपको आते ना तो हमारे पास आ जाना, मैं छोटे छोटे सवन वो दे दूंगी आपको, आपको छोटे छोटे सवन दे दूंगी, तो आप आइएगा, आपको ये सवनों का पूरे इंद्रनगर हो भले सुंदरनगर हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य याद करके आएंगे उतना ही ज्ञानावरण्य कर्म का क्षय प्रशम होना, देख करके याद करने का कोई विशेष लाभ नहीं होता, मूजवाणी याद करने का लाभ होता है, इसलिए आपको आज से कार्यक्रम दे दिया, अभी तो आज 4 तारीख हुई है, ये है 10 को, 5 दिनों के अंदर बहुत कुछ, एक एक गाथा भी रोज की याद करो तो 5 दिनों में 5 गाथा हो जाएगी, इस कारण से 10 तारीख को हमारा स्तवनों का यहाँ पर कंपटीशन होगा, एक स्तवन 2 के पास चला गया मान लीजिए तो उसके हाफ आधे नंबर कट जाएंगे, इसलिए पहले पूछ लो तूने क्या क्या, तो इस तरीके से हमारे स्तवनों का कंपटीशन 10 तारीख को यहीं पर होगा, आपको 11 बजे आपको इनाम वगैरह दे दू के आपको रवाना करके आप फिर अंबिलका खाने के लिए चली जाना, तो मैं आज इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। यह वर्ष परमार्क क्षत्रियोधारक गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरजी मारिसेब का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसे तो गुरुदेव के सानिध्य में वर्ष भर अनेक आयोजन हुए हैं, हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में 15 अक्टूबर रविवार को गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महामंत्र नवकार का सामूहिक जाप का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, और साथ में सामूहिक आयंबिल तप का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर नवकार मंत्र का जाप होगा और उसके बाद में आंबिल होगा, आंबिल के पास यहाँ पर बना लिए जाएंगे
और आप सभी को वो पास वितरित किए जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वो पास पहुंचा सकते हैं और पास के आधार पर ही आपको यहाँ पर अम्बिल आदि कराया जाएगा, प्रभावन आदि जो है वो वितरित की जाएगी। तो ये हमारा तप और जप का अनुष्ठान हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और उनकी जन्म शताब्दी को तप और जप के रूप में हम मनाएंगे 15 अक्टूबर रविवार के दिन। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। और 17 अक्टूबर को क्षमापना संक्रांति का मंगलवार को विराट आयोजन है और उसी आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर गुरुदेव श्रीमद जय इंद्रदिन सूर्यजी महाराज साहब का जन्म शताब्दी महामहोत्सव का आयोजन भी 17 अक्टूबर को गुरुदेव के सानिध्य में काश्मीर गार्डन के अंदर में मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश भर से सैकड़ों श्री संघ संस्थाएं, पदाधिकारी और गुरुभक्त उस आयोजन में पधारने वाले हैं। इसी दौरान श्री शाश्वती नवपद ओली की आराधना भी प्रारंभ हो जाएगी। 20 अक्टूबर से शाश्वती नवपद ओली की आराधना प्रारंभ हो जाएगी। जिनको भी नवपद ओली की आराधना करनी है उनके सभी के आइम्बिल की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। जिनको भी आइम्बिल करने हैं वो अपने नाम, ओली के नाम अपने यहाँ पर लिखा दें और ओली की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। ओली के लाभार्थी परिवार का नाम भी आ चुका है और उनकी तरफ से ही सारे ओली के आराधकों का बहुमान भी